हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 डिस्कस करेंगे। बच्चों, डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 16 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एंटोनियम्स के बारे में। तो एंटोनियम्स क्या होते हैं, जिसका जो मीनिंग होता है दो वर्ड्स का आपस में अपोजिट होता है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको आगे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली, रीड आउट द सेंटेंस रिटन बिलो देम। तो आप इन पिक्चर्स को अच्छे से देखें और जो सेंटेंस इन किंची देंगे उनको आप अच्छे से पढ़ें। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, पिक्चर ए इज ए सीन ऑफ नाइट। जो पिक्चर ए है वो क्या नाइट का सीन है, देखिए यहाँ पर अंधेरा है, और पिक्चर बी इज ए सीन ऑफ डे क्योंकि यहाँ पर सुबह है। देर इज़ स्मॉल ट्री विथ थिन स्टेम, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्री है और जिसकी छोटी सी मतलब पतली सी तना है, और यहाँ पे देर इज़ ए बिग ट्री विथ थिक स्टेम, तो इसका थिक स्टेम है और ये बड़ा सा पेड़ है। द फेंसिंग इज शॉर्ट, तो इसकी जो फेंसिंग है ये क्या है, छोटी है, और इसकी क्या है, द फेंसिंग इज टॉली, तो इसकी फेंसिंग क्या है, बड़ी है, लंबी है। द बैकग्राउंड इज़ डार्क, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, और इसका क्या बैकग्राउंड इज़ लाइट, इसमें क्या लाइट है और इसमें क्या डार्क है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या क्या वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं। तो एंटोनियम्स देखते हैं क्या होते हैं। एंटोनियम्स आर द वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग, तो एंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके आपस में क्या बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है। द हाईलाइटेड वर्ड इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव अपोजिट मीनिंग, तो इसमें जो हाईलाइट किए जैसे नाइट का अपोजिट क्या बच्चों डे है, स्मॉल का क्या है बिग है, थिन का थिक है, शॉर्ट टॉल, डार्क लाइट, ये क्या आपस में एंटोनियम्स वर्ड्स है। डू यू नो वर्ड दिस वर्ड्स आर कॉल्ड, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एंटोनियम्स, ये सभी वर्ड्स क्या थे हमारे एंटोनियम्स थे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स इनको आपको मैच कर, जैसे फैट थीन, टॉल शॉर्ट, स्मॉल लार्ज, डे नाइट, ये आपस में सारे वर्ड्स क्या हमारे एंटोनियम्स हैं। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, यू विल फाइंड सम वर्ड विच हैव अपोजिट मीनिंग, राइट देम इन ए स्पेस गिवन बिलो इन द पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ देखिए, इसको आपको पढ़ना है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आपको यहाँ पे अपोजिट मीनिंग इनके बताने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हम, तो पैराग्राफ है, रीना इज़ ए वाइज गर्ल, शी लिव्स इन स्मॉल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। रीना की एक बुद्धिमान लड़की है, वो एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में रहती हैं। द विलेज इज़ 25 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, जो विलेज है वो दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर है। रीना लव्स हर विलेज वेरी मच, रीना अपने गाँव से बहुत प्यार करती है। शी हैज़ ए बिग हाउस, उसका बहुत बड़ा घर है। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पार्क नियर हर हाउस, वहाँ पे उसके घर के पास बहुत अच्छा बड़ा सा एक पार्क है। द पार्क हैज़ स्मॉल सम स्मॉल ट्री एंड सम शॉर्ट ट्री, तो जो पार्क है उसमें कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ छोटे छोटे पेड़ भी हैं। द पार्क रिमेन वेरी क्लीन बट इट लुक्स अगली व्हेन सम फूलिश पीपल मेक इट डर्टी बाय थ्रोइंग गार्बेज, रीना हेट सच पीपल। तो कहती है रीना कि जो पार्क है बहुत ही साफ सुथरा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मूर्ख लोग होते हैं वो इसको गंदा बना देते हैं कूड़ा कचरा डालकर, तो रीना उन लोगों से बहुत नफरत करती है। तो अब हमें बताने बच्चों इनके मीनिंग, मतलब इनके अपोजिट। तो वाइस का क्या है बच्चे, यहाँ पे हमने देखा वाइस का यहाँ पे क्या है फुलिश, तो यहाँ पे आप लिखिए फुलिश। और यहाँ पे जैसे टोल है, टोल का क्या है बच्चे, यहाँ पर शॉर्ट है, ठीक है दिया गया आपको, टोल का क्या है शॉर्ट है। स्मॉल का क्या है लार्ज है, तो इसकी मीनिंग मैं आपको लिख के बता देती हूँ, तो देखेंगे आप इनका आंसर। इनके आंसर आप लिखेंगे वाइस फुलिश, टॉल स्मॉल, स्मॉल लार्ज, ब्यूटीफुल अगली, ठीक है। ये सभी क्या हमारे एंटोनिम्स हैं जिनका मीनिंग क्या आपस में अपोजिट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रीराइट द सेंटेंस बाय फिलिंग द इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसके आपको अपोजिट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में भरने हैं। तो जैसे ये फर्स्ट है, द बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट भरना हमें यहाँ पे। द बॉय इज़ वेरी डैश, स्ट्रॉन्ग का क्या होगा बच्चों वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वीक मतलब कमजोर, एंड एक्टिव मतलब बहुत काम करने वाला, और एक्टिव का अपोजिट क्या होगा बच्चों जो बहुत ही लेजी हो, मतलब लेजी मतलब बहुत ही आलसी हो। तो इसके हम वन बाय वन एक एक करके आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप भरेंगे स्ट्रॉन्ग का हमने भरा वीक, एक्टिव का हमने भरा लेजी। नेक्स्ट है, इस पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव, उसकी जो पेंटिंग थी बहुत ही सुंदर और महंगी थी, तो इसका आंसर आएगा हिज पेंटिंग वाज अगली एंड चीप, मतलब उसकी पेंटिंग जो थी बेकार थी और बहुत ही सस्ती थी। शी रन्स फास्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, वो स्मूथ सरफेस पे बहुत तेज़ दौड़ता है, तो आएगा शी रन्स स्लो ऑन ए रफ सरफेस, वो रफ सरफेस पे बहुत धीरे दौड़ती है।
आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सुबह हॉट कॉफ़ी पसंद है। आंसर लिखेंगे आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी इन द इवनिंग, मॉर्निंग का हमने बना दी इवनिंग, हॉट का हमने बना दी कोल्ड। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, वर्कशीट आपकी पूरी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन बच्चों अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसे लगी। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।